लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सिफारिश वालों को ही नौकरी देनी होती है तो ये दफ्तर वाले हमें इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाते हैं? भारत, डिग्री हाथ में लिए यूं चुप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। इंटरव्यू यू। हैंड्स अप। कह रहे हो तुम? मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं कहता हूं माल निकालो। माल? बहुत बीमार है। तुम्हें रुपया मिलेगा पर पहले मेरी शर्त तो मानो। आओ मेरी जान। से कहा गया है कि ये जमीन खाली कर दें और अपनी झोपड़ियां से हटा लें। सरकार, झोपड़े हटाने का तो हुक्म कई बार दिया सरकार ने, मगर यहां से हटाकर कहां ले जाएं ये आज तक नहीं बताया सरकार ने। ये सब कुछ हम नहीं जानते। ये जमीन सेठ जी की है और सेठ जी यहां पे अनाथ आश्रम बनाना चाहते हैं। मेरे भारत के दुख दूर करते, उसे नौकरी दिलवा दे भगवान। सो जाओ माँ और भगवान को भी सोने दो। सुन लो रहा बेटा, आज तो बहुत बड़े दफ्तर में गया था ना? कल एक और बड़े दफ्तर में जाना है माँ। तुम निराश हो गई? मैंने तेरी जन्म पत्री एक ज्योतिषी को दिखाई थी। राहु केतु अपनी जगह पे अटल है ना? वो कहता था एक दो महीने में सब ठीक हो जाएगा। माँ, मेरी जन्म पत्री, मेरी कुंडली, ये डिग्री है डिग्री, और इसकी किस्मत में कितने राहु हैं, कितने केतु, ये कोई ज्योतिषी नहीं जानता। किस किस को देखिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं भारत। हाँ? अपने दिन कब बदलेंगे? जब नौकरी मिलेगी। नौकरी कब मिलेगी? जब दिन बदलेंगे। जाने वो दिन कब आएगा। आएगा भारत, सच कहती हूँ। चार साल पहले जब तुम्हें इंजीनियरिंग की ये डिग्री मिली थी ना, हाँ?
तब से यही सपने देख रही हूँ कि तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिलेगी, फिर बसों की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, अपनी भी एक कार होगी, आकाश को छूता हुआ एक सुंदर सा घर होगा, रंग बिरंगी कपड़ों से अलमारियां भरी होंगी, बढ़िया से बढ़िया गहने पहनूंगी और फिर हवाई जहाज में बैठकर आकाश में उड़ेंगे। ए, शेख चिल्ली की चाची। क्यों, मेरा सपना नहीं पसंद? जब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है। हाय नहीं, मैं मर जाऊंगा। कहाँ चली? तुम भी आओ ना, पर साथ में भीग जाएं। अरे मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो क्या हुआ शीतल, आधे घंटे बाद एक इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, कौन जाने बरसों बाद इस डिग्री की किस्मत खुल जाए और मुझे नौकरी मिल जाए। ए। मेरा और चंपा का फीस भरने का आखिर चाहिए ना, भरे गए तो हम लोगों का नाम कट जाएगा। नाम ही कटेगा ना, नाक तो नहीं कटेगी। विजय भैया, तुम्हारे कॉलेज में स्ट्राइक है, इससे तुम्हें कोई चिंता नहीं। 110। मुझे क्यों चिंता होगी? 111। जबकि हमारी पढ़ाई की चिंता हमारा पढ़ा लिखा बेकार भाई करता है। करता था, मैं कोशिश करते करते थक चुका हूँ, मुझसे और बंदोबस्त नहीं हो सकता। 113 भैया,
बंदोबस्त नहीं हो सकता तो हम क्या करें? पढ़ाई छोड़ दो। 114 पढ़ाई छोड़ दो। जब तू फीस के लिए पैसे मांगा करता था तो मैंने कभी कहा था कि कहां से लाऊं रुपया? अब मैं बीमार हूं, दिल का रोगी हूं, न जाने किस घड़ी मेरी आंखें बंद हो जाए। अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो तूने भी जवाब दे दिया। पिताजी आपने मुझे गलत समझा। मैं सब समझता हूं, लेकिन तू भी समझ ले, जिस डिग्री को तू जेब में डालकर बेकार घूमता है ना, उस पर मेरे जेब की एक एक पाई लगी हुई है। ये मेरा कर्ज है तुम पर, और ये कर्ज तुमको चुकाना है इन तीनों को डिग्रियां दिलवाकर। डिग्री, इस डिग्री के टुकड़े करके आप इन तीनों में बांट दीजिए। 115 सुन लिया तुम लोगों ने? क्या कहता है तुम्हारा बड़ा भाई? क्या गलत कहा? तुम चुप रहो। 116 ये शेर और तुम सवा शेर। 117 राधा, तुम कल ही जाकर चंपा के होने वाले ससुर से कह दो कि उनके हुक्म के मुताबिक हम चंपा को बीए तक नहीं पढ़ा सकेंगे। तुम 5 मिनट लेट हो गए साहब, शीतल अभी गई। भैया आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए हो? पहली और आखिरी बार एक जरूरी काम से। काम मुझसे? क्या काम है? किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं। शीतल से भी नहीं ना? हरगिज नहीं। भैया मुझे कुछ रुपया चाहिए। ओह रुपया चाहिए? आज और अभी? अभी तो नहीं है भारत, लेकिन एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, मैं भी आता हूँ। जाओ। लेकिन कितने रुपए चाहिए? भैया कम से कम 300 रुपया। 300 रुपए मिल जाएंगे। भारत, भारत ये लो 300 रुपए। थैंक यू। बकवास बंद। शीतल को तो नहीं बताया ना? नहीं नहीं, तुम भी अपनी भाभी को नहीं बताना। हा? क्यों? हमने आपसे ये थोड़ी पूछा कि शीतल को क्यों नहीं बताना। समझ गया। थैंक यू। बकवास बंद। है जब बंद। अच्छा हुआ मेरा कॉलेज बंद है, वरना 300 की जगह 500 का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे भारत ये क्या कॉलेज है विजय का, जो आए दिन बंद रहता है। आजकल लड़कों को स्कूल कॉलेज की कोई। हमारे जमाने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था। तब पढ़ने वाला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खत्म और उधर नौकरी पक्की। लेकिन आज का स्टूडेंट अंधेरे में है, वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी डिग्री पाने के बाद उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। कितनी कड़वी और सच्ची बात कही है भैया ने। आजकल तो इस बात को कोई समझता ही नहीं, उल्टा उंगली उठा के सब यही कहते हैं कि स्टूडेंट्स का दिमाग खराब हो गया है, डिसिप्लिन नहीं है उनमें। पिछले साल की बात याद है पिताजी, जब मेरे एक दोस्त ने बरसों की तपस्या के बाद अपना इम्तिहान पास किया और जब वो डिग्री लेने के लिए सज धज कर गाउन पहन कर हॉल में गया तो डिग्री मिलते ही उसे फाड़ के फेंक दिया। कितना जल चुका होगा वो। तो उसका क्या गया? नुकसान उसके माँ बाप या भाइयों का हुआ होगा, जिन्होंने अपना पेट काट काट कर उसकी फीस भरी होगी। माँ बाप ने तो उसकी पढ़ाई में 20-25 हजार रुपए लगा दिए होंगे, लेकिन उसके तो 20-25 साल चले गए, और जवानी के 20-25 साल की कीमत 20-25 हजार रुपए नहीं होती। इसे क्या हो गया? ये सिर्फ इसकी आवाज नहीं पिताजी, अंधकार में भटकते हुए हर नौजवान की आवाज है ये। मर गए, लुट गए। क्या हुआ? मेरे देवर चोरी हो गए, गुम हो गए, गायब हो गए। क्या भक्ति हो? औरत का जेवर उसकी इज्जत होती है, अगर वही लुट गई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अजी इज्जत गई छप्पड़ वाले कुएं में, मेरे जेवर चोरी हो गए, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है? अरे क्या बोलती हो? नहीं नहीं मेरे पास नहीं। अरे तुम्हारे और तुम्हारे 7 बच्चों की कसम। मुझे जी 7 नहीं 8 बच्चे, कितनी बार कहा? अच्छा अच्छा 8 बच्चों की कसम मेरे पास नहीं है। तो घर देखते क्या हो? पुला पुलिस लिखा हो रबट। अरे चोरी करने वाले तेरा सत्यानाश हो, तू कल का मरता कम्बल ताज मरे आज। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, अगर वो मर गया तो तू विधवा हो जाएगी। विधवा
आपके ही पास है मुंशी जी। अरे मूर्ख, मेरे पास नहीं, मैंने बक्से से निकाल कर बैंक में रख दिया है। क्यों बैंक में रख दिया है? वो तू नहीं समझती, किस्मत का दरवाजा तो खोले से खुलता है विजय। ये लो 5,000, कसम पुरानी दिल्ली की, काम पूरा कर दोगे तो 25,000 मिलेगा। काम क्या करना होगा? मुद्दत हो गई समझाते हो, तुम्हारे कॉलेज में स्ट्राइक है, कोशिश करो कि सारे कॉलेजेस बंद हो जाए, वाइस चांसलर का घेराव करवा दो, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को आग लगवा दो, तो कसम पुरानी दिल्ली की मजा आ जाएगा। खलीफा, आज का स्टूडेंट कोई चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं, आज के स्टूडेंट को किसी भी नाजायज काम पर राजी करना नामुमकिन है। कोशिश करना इंसान का फर्ज है। मैं नहीं जानता फर्ज क्या है, मुझे तो रुपया चाहिए। इसलिए कि तुम्हारे घर में भूख है, और कसम पुरानी दिल्ली की, मेरे घर में भी भूख है। ये रुपया दिया किसने आपको? उसके घर में भी भूख है, मगर इस गंगा की गंगोत्री कहीं तो है। ये रुपया देने वाला आदमी कहीं तो होगा जिसका घर माल से भरा हुआ है। पुरानी के साथ साथ नई दिल्ली की कसम, वो कौन सा मुल्क है मैं नहीं जानता। टेक इट माय बॉय, विश यू बेस्ट ऑफ लक। भैया आप? मैं विजय। ये इंडिया गेट है ना? बरसों से तो देख रहे हैं आप। हाँ। आज कुछ बदला बदला सा दिख रहा है, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और अब ये बंदूक और टोपी। भैया अब इसे अननोन सोल्जर कहते हैं। गुमनाम सिपाही? मैं समझा नहीं। भैया ये ज्योत उन लोगों की याद में जलती है जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। और तुम रुपए के लिए शहीद हो गए? भैया विजय। भैया मैं उस देश के बारे में कैसे सोचूं जो मेरे भाई को नौकरी तक नहीं दे सकता। जेब से रुपया निकालो, मैं कहता हूं निकालो रुपया। भैया इन रुपयों से हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। कॉलेज बंद करवा के, वाइस चांसलर का घेराव करके, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को आग लगाकर, धिक्कार है तुम जैसे भाई। विजय भूख से मर जाओ कोई गम नहीं, लेकिन जियो, उस देश का अच्छा शहरी बनकर जियो। उस दिन के बाद विजय घर छोड़कर चला गया, एक खत छोड़ गया मेरे नाम, लिखा था भैया अगर जिंदगी में आपको शक्ल दिखाने के लायक बना तो लौट आऊंगा, नहीं तो समझ लीजिएगा कि आपका भटका हुआ भाई अंधकार में खो गया। महीने बीत गए, ना वो आया और ना ही उसकी खबर। पिताजी की हालत बिगड़ने लगी और माँ माँ रो रो कर थक गई, दिन रात भगवान से उसकी वापसी की प्रार्थना करती रहती। और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था कि विजय घर से क्यों चला गया, क्यों चला गया। 4 साल हो गए, मेरे हर जन्मदिन पर यही कह देते हो कि जन्मदिन मुबारक, कभी कोई प्रेजेंट नहीं दिया, तोहफा नहीं दिया। हरिओम हरिओम शीतल, हर साल यही सोचता हूँ कि नौकरी मिलेगी तो तुम्हें तुम्हारे अगले जन्मदिन पे अगर हीरे की अंगूठी ना दे सका तो कम से कम सोने की जरूर दूंगा, मगर अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि नौकरी नहीं मिली। अगर बहुत कुछ मिल गया तो टेलीविजन पे गाने का प्रोग्राम मिल गया या कोई छोटी मोटी ट्यूशन मिल गई। खैर जाने दो, हाथ लाओ। जन्मदिन का तोहफा ये स्टेनलेस स्टील की अंगूठी पसंद है। तोहफा पसंद नहीं? जब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है। आए मर जावा शीतल, जानती हो भगवान की तस्वीर वाली अंगूठी क्यों लाया हूं? क्यों? हमारे इस रिश्ते का किसी को तो साक्षी होना चाहिए, और फिर भगवान से बढ़ के साक्षी और कौन होगा? आओ गोपाल आओ। जब भी मेरा टेलीविजन पे गाने का प्रोग्राम होता है साला तू आधमकता है। तुम्हारे प्रोग्राम इंचार्ज कंदर खन्ना से तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में पता लगा लेता हूँ और फिर आधमकता हूँ। और फिर यार गाना गा के जो तुम पैसे कमाते हो उसमें से यार 5-10 रुपए मुझे भी मिल जाते हैं और अपनी कड़की 2 दिन के लिए दूर रहती है। ओए कड़के। हाँ भाई, पहले लड़का था अब कड़का। इस जिंदगी में ना नौकरी मिली ना छोकरी। मुझे मिल गई। क्या छोकरी? नहीं नौकरी।
भारत कहते हैं मैं मोहन एंड कंपनी के मालिक मिस्टर मोहन की पर्सनल सेक्रेटरी, तनख्वाह पूरे 750 रुपए। देखा अपनी इस अंगूठी का कमाल है? भारत हाँ, सच मुझे इस अंगूठी ने कमाल कर दिया, हमारी सारी जिंदगी बदल दी। शीतल नौकरी मुबारक, चलो अब प्रोग्राम का वक्त हो गया। रेडी रेडी भारत। हाँ? आज ऐसा गीत गाएंगे कि दुनिया याद रखेगी, बोला नहीं। स्टार्ट। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मांग से जो
यहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात चली, साहब पिछले साल आपने 20 लाख टैक्स भरा और फिर एडवांस टैक्स भरने के लिए रुपया सूद पर लिया, और इस साल 22 लाख टैक्स भरने के बाद एडवांस टैक्स भरने के लिए रुपया फिर सूद पर लेना होगा। ये इस देश का कानून है और इसका पालन हमें करना है। मगर इस हिसाब का कानून गलत है सर। अगर कानून गलत है तो वक्त उसे अपने आप बदल देगा। मोहन साहब आज अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो मुश्किल से आपके हिस्से में 3 या 4 रुपए आते हैं, बाकी सब तो टैक्स में चला जाता है। लेकिन टैक्स में भरा हुआ रुपया कहीं किसी काम तो आता होगा, क्यों? गुस्ताखी माफ सर, आज अगर आप कमाते हैं तो टैक्स भी भरते हैं। भगवान न करे कल अगर आप कमा ना सकें तो क्या यह सरकार आपको खाने को देगी? किसी भले आदमी ने कहा है, ये मत सोचो कि देश तुम्हें क्या देता है, सोचो ये कि तुम देश को क्या दे सकते हो। और जब तक हम सब ये नहीं सोचते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप जा सकते हैं। मिस शीतल। यस सर। 5 बज चुके हैं, आप घर जा सकते हैं। थैंक यू सर। मिस शीतल। यस सर। 10-12 दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े। सर मैं कंपनी का स्टाफ क्या खाता है क्या पहनता है इससे कंपनी पर असर पड़ता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कंपनी अकाउंट पर तुम कुछ नए कपड़े खरीद लो। सर मैं खुद अपने मैं शीतल छोटी छोटी बातों पर बहस करना मुनासिब नहीं। गुड नाइट। भाभी देखो ये रंग बिरंगे कपड़े, सारी तनख्वाह इन्हीं कपड़ों में बर्बाद कर दी। भाभी ये कपड़े कंपनी से मिले हैं। क्या? हाँ ये सब मोहन साहब का तोहफा है। अरे वाह ये मोहन बाबू तो कोई बहुत बड़े हकीमताई लगते हैं। भाभी वो कितने अच्छे हैं इसका अंदाजा कोई और नहीं लगा सकता। शीतल। यस सर। सर आना तो। ये सर इस साड़ी के साथ ये लाल फूल अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। भारत मेरे बालों में फूल देखते हो? हाँ। कैसे लगते हैं? फूल तो डाली पे ज्यादा अच्छे लगते हैं भारत। तुम्हें बहुत रूखापन आता जा रहा है। कभी कभी सोचती हूँ काश तुम मोहन बाबू होते। तो क्या हो जाता है? तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाते। जिंदगी बसों की लाइनों में लगकर पीछे ना रह जाती। अगर तुम मोहन बाबू होते तो जिंदगी बड़ी बड़ी कारों में वक्त से तेज भागती है। तो इंसान तेज भागते हैं ना, उन्हें ठोकर लगती है फिर वो गिर जाते हैं। फिर वही बात। आयर जाने तो बताओ कल कौन सा दिन है? कल मंगलवार। सिर्फ मंगल और क्या? भूल गई कल मेरा जन्मदिन है। हाँ हाँ और ये भी याद है
कि आज से 4 साल पहले हमारी पहली मुलाकात टीवी स्टेशन के पास वाली कैंटीन में हुई थी। और ये भी याद है कि हम हर साल उसी वक्त पे उसी जगह पे उसी डेट को मिलते हैं। हाँ। और कल 5 बजे फिर मिलेंगे। कल 5 बजे तक तो तुम्हें मोहन साहब के साथ रहना है। मैं कल 4 बजे छुट्टी ले लूंगी। पूरे 4 बजे। सर 4 बज गए और मैं जानता हूँ 4 बज गए, चाय का वक्त हो गया है, और चाय मंगवाएं या ना मंगवाएं यही कहना चाहती हूँ। लेकिन सर मुझे आज काम इतना बिजी था, ये कहना भूल ही गया कि लाल साड़ी के साथ आज ये लाल फूल ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। यू लुक प्रीटी। थैंक यू सर। अच्छा देखो, आज 5 बजे अमेरिकन कंपनी के डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई तो 2-4 दिन में हमें न्यूयॉर्क जाना हो। दैट मींस यू। लेकिन सर मुझे ठीक है, चाय पी लेंगे। ये टेक दिस फास्ट एंड कम अलोंग विद मी टू दिस मीटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्टैंड अराउंड देयर, हरी अप। यार बहुत देर हो गई, 5 बजे से बैठे हो और 8 बजने को आए। शीतल अभी तक क्यों नहीं आई? शीतल नौकरी वाली और ये बिल्कुल बेकार, और फिर प्राइवेट सेक्रेटरी को तो मालिक का साया बनकर रहना पड़ता है। गोपाल भारत, शीतल आती रहेगी, तुम मेरे साथ चलो, कहीं किस्मत हमारी राह देख रही है। मैं जब भी आपको टीवी पे देखती हूँ, आपका गाना सुनती हूँ, बस पागल से हो जाती हूँ। फिर गोपाल से पता चला कि इतने बड़े कलाकार को एक नौकरी की जरूरत है। मैंने कहा करोड़पति सेठ नेकीराम मेरी मुट्ठी में है, एक इशारे की जरूरत है कि बस नौकरी पक्की। क्या लेंगे आप? जी सोडे के साथ या पानी के साथ? जी थैंक्स। पूनम मेरा दोस्त इन बातों में बिल्कुल पंडित है, पंडित। पंडित पंडित जी, पहले मेरा जीवन भी एक जोगन की तरह था। बचपन में माँ गंगा जल पिलाया करती थी। लेकिन अब जिंदगी को जरूरतों ने इस कदर निचोड़ लिया है कि सुबह शुरू होती है तो शराब से और रात ढलती है तो शराब से। खैर जाने दो पंडित जी, आपकी नौकरी तो बिल्कुल पक्की है। सेठ जी काम क्या करते हैं? दिखावे के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन असलियत में सब गोलमाल है। सेठ नेकीराम, सेठ नेकीराम तो मुरली वाले का पुजारी है, उसके सुदर्शन चक्र से अपना चक्र चल ही जाता है। मलिका नेकीराम यही वो आदमी है जिनके काम के बारे में तुमने कहा था? आदमी भरोसे वाले हैं। मेरे पिताज बादशाह, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसे के हैं। तो फिर इनकी नौकरी पक्की ना? सेठ नेकीराम नौकरी नहीं देता, हिस्सा देता है चार आने, क्योंकि मेरे काम में थोड़ा जोखिम है, थोड़ा खतरा है। आज इन कोरे कागजात पर दस्तखत कर दो और कल से काम शुरू। पंडित जी तुम साइन नहीं करोगे? शायद मैं ऐसा वैसा काम ना कर सकूं। सेठ नेकीराम ना ऐसा वैसा काम खुद करता है ना किससे करवाता है। वो तो मलका नेकीराम ने तुम्हारे बारे में कहा तो हमने कहा कि ठीक है। खैर जी गोली मारो कोरे कागजों को। अगर मलका नेकीराम कभी हमारी बगल में आकर मच ले तो उस कोने में बैठकर कोई गीत छेड़ देना। मैं बाजारी गीत नहीं जो हर कोठे पे गाया जाऊं। ओह नो, वो तो चला गया। नींद आई बस नहीं आई। आ जाएगी, आ जाएगी तो मुझे जगा दे। शीतल मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी जरूरी बात का इतनी जल्दी फैसला हो जाएगा। ये तो झट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। शीतल चलो घर जाकर ये खुशखबरी माँ को सुनाए। लगता है बस आई। मुझे लगता है बस गई। ओहो कल नानी की 100 बार माफी मांग चुकी, मगर एक तुम हो कि कुछ बोलती ही नहीं। अच्छा बाबा मत बोलो, मैं ही बोलती हूँ, इसलिए कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? कोई चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। बिल्कुल, कल बात बनी, आज अमेरिका जाने का पक्का हो गया, है ना खुशखबरी? शीतल तुम्हें रहने के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए ना? आसमान को छूता हुआ। शीतल
एक कंपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही है, मुझे वहां नौकरी मिल गई है। नौकरी? हाँ नौकरी। जब वो बिल्डिंग बन जाए ना तो मोहन साहब से कहना उसे खरीद दे। ओहो, तो तुमने कल लाने के लिए माफ नहीं किया। जितना बड़ा दफ्तर उतने बड़े काम। मुझे याद आ गया, मुझे भी बड़े काम करने हैं, पासपोर्ट ऑफिस जाना है। पासपोर्ट? हाँ, इधर पासपोर्ट बना, उधर हवाई जहाज उड़ा। शीतल मोहन बाबू के साथ अमेरिका चली गई। अब मुझे लगने लगा जैसे धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी से दूर होती जा रही है। ए तुलसी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे बाबू, सुना है अंधों के आश्रम में भी काम करके खाना पड़ता है। नहीं तो कसम से मैं कह देती कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, सुरदास नहीं। इन कपड़ों का क्या होगा जिन्हें गंदा कर दिया? उतार दो, धो दूंगी। सोच समझ के बात किया करो। अरे बाबू, अगर सोचने लगूंगी तो काम कौन करेगा, और काम नहीं करूंगी तो मुफ्त में मजदूरी कौन देगा? तुम बहुत बोलती हो। मैं कहाँ बोलती हूँ बाबू, और अगर भूले भटके बोल भी लेती हूँ तो यही समझ कर कि तुलसी बोल ले अभी वक्त है, ना जाने बोलने पर भी कब्रशन लग जाए। बाबा बाबू, रेशन की बात से मुझे याद आया, मुझे भी रेशन लाना है। मैं जाऊं? मैं गई आ रही। बाजी सस्रियकाल। सस्रियकाल। हरनाम सिंह, जब जब ये बूढ़ा आता है तुलसी उसे देखकर कुछ डर सी जाती है और फिर कोई ना कोई बहाना लगाकर उसके पीछे चली जाती है, ऐसा क्यों? बाजी, एक एक आदमी की सौ सौ कहानियां ते सौ सौ अफसाने, किस किस की सोचोगे ते किस किस की सुनोगे। मुनीर जी, आप जरा सीमेंट की बोरियों की गिनती करवा लीजिएगा। तुलसी, तुम्हें दिखाई नहीं देता। बाबू, दिखता तो है मगर क्या करूं, मेरी मिट्टी जब गिरती है तो आपके ऊपर ही गिरती है। इसके पहले जो बाबू था ना, उसके ऊपर कभी नहीं गिरी। तुलसी, तुझे कुछ राशन वाशन लाना होगा। हाँ? अरे वाह, क्या बाबू हो, मैंने मांगी नहीं और तुमने छुट्टी दे दी। बस बाबू, मैं गई और आई, ले पकड़। अरे मुन्ना, क्या हुआ मेरे बेटे को? बस बस बाबा। हाँ। आज से बुखार नहीं चढ़ा, फिर क्यों रो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता बेटे। बस बस, नहीं लोटे नहीं लोटे। तुलसी। हाँ। बाप कौन है? किसका, मेरा? नहीं, उस बच्चे का। मैं जानती थी बाबू, कल तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? बाप कौन है? ये पूछने की हिम्मत तो मेरे बाप ने भी नहीं की। बाप इसलिए नहीं पूछता कि वो बाप है। तुमने ठीक कहा बाबू, कौन बाप अपनी बेटी से उसके बाप का हिसाब पूछता है। पर बाबू, तुम ही पहले आदमी हो जिसने पूछने का कष्ट तो किया है। तो बताओ बाबू, तुलसीदास की रामायण में राम भी है सीता भी है, पर इस तुलसी की रामायण में ना राम है ना सीता है, सिर्फ रावण ही रावण है। इसलिए तो कहती हूँ, क्या करोगे सुनकर, बस इतना ही जान लो, मेरे बेटे के बाप हैं रोटी कपड़ा और मकान। मैं समझा नहीं बाबू। वो जो बाबा आता है ना, वो मेरा बाप है। फैक्ट्री में काम करता था, एक दिन मशीन में फंसकर टांगे कट गई। फैक्ट्री वालों ने बहुत खर्चा किया इलाज पर, यूनियन वालों ने जी जान से मदद की, और जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे ना, उन्होंने भी बड़ी धड़स बंधाई। पर कब तक, कितने दिन? एक दिन वो मोहल्ला छूट के हम लोग इस बस्ती में आ गए। जो कुछ थोड़ा बहुत पास था
वो भी खत्म हो गए। हमारी हालत पर तरस खाकर दुकानदार ने उधार देना शुरू कर दिया और बाबू जिस कागज पर अपना हिसाब था ना वो भी एक दिन भर गया। दुकानदार ने उधार देना बंद कर दिया। 5 दिन से पेट में अनाज का एक दाना तक भी नहीं गया। बाबा को बुखार था, मैं हिम्मत हार गई। जब भीख मांगने के लिए दुकानदार के पास पहुंची, लाला मुझ पर तरस खाओ। 5 दिन से अनाज का एक दाना नहीं गया पेट में। मेरा बापू से भूखा ही नहीं, बीमार भी है। अगर उसे खाने को कुछ ना मिला तो दम तोड़ देगा। लाला लाला, मैं तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ, मुझे 2 मुट्ठी अनाज दे दो। मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारा हिसाब चुका दूंगी। मेरे झोंपड़े के किराए का क्या सोचा? ये किसी का क्या सोचेंगे जिसे अपने ही तन का होश नहीं। देखो देखो, तार तार हो गए हैं कपड़े। तेरा बाप बीमार है ना? जा गोदाम के अंदर, बदले फे लिए नाच से जा। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे जनता को हम बोल चुके हैं कि राशन की दुकान में राशन का माल नहीं। अगर जनता को ये पता लग जाए कि गोदाम में माल भरा पड़ा है तो जनता मेरी खाल उधेड़ देगी। तुलसी, आटा तू यहाँ से भर ले और वो सामने मेरी कपड़े की दुकान है, अपनी पसंद का कपड़ा लेती जा। ओहो, तुम चुप रहो जी, जा तुलसी, जा जाओ, भर लो झोली जितना आटा चाहिए। पहले पैसा फिर आटा। लाला लाला, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तू तो टकसाल है, टकसाल। डरो मत, सेठ दयाराम तुमको इस गोदाम का मालिक बना देगा। और मैं झोंपड़ा तेरे बाप के नाम लिख दूंगा और मैं तुझे इतना कपड़ा दे दूंगा, कपड़ा कपड़ा हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला, मुझे जाने दो। लाला लाला, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 महीने का किराया लेना। और बस मेरी आवाज अनाज से दब गई, पुरानी चोली उतर गई, ये दाग दर्द अमन पर नया जोड़ा सज गया। क्यों बाबू, है ना अनोखी रामायण? ना जिसमें राम ना सीता, सिर्फ रावण ही रावण है। तुलसी जी, राम राम। जय सीता राम। ए जग्गू, इज्जत के चक्कर में तो इज्जत लूट गई थी अपनी, लेकिन आज मैं चिल्ला सकती हूँ। उस दिन तुम लोगों ने नोचा था मुझे, आज मैं तुम्हारा मुंह नोच सकती हूँ, समझे गोलगप्पे? तुलसी, तू आज बच के नहीं जा सकती। अरे जा जल, ले आ इसे। छोड़ दो इसे। आपकी तारीफ? इस वक्त अपना बाप समझ। और बाबू, उन 3 रावणों में से एक रावण ये है, मकान वाला। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अगर ना गया तो? तो प्राण वाले दिन नहीं।
ना जाने बाबू का क्या होता, और अगर बाबू ना होता तो ये लोग मुझे। ए नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। बाबू बाबू मैं सच कहती हूँ, अगर उस दिन भी तुम जैसा कोई आ गया होता तो इस तुलसी के रामायण में भी एक राम होता। ओ तुलसी, हमको यह मालूम नहीं कि तेरी रामायण में कोई राम है कि नहीं, पर कसम वाह गुरु जी, आज तो तेरी रामायण में हनुमान जरूर आ गया है। और तुलसी, हम तेरे को सच बोलता है, अगर किसी भी रावण का साया तेरे पर पड़े ना, हम उसकी गर्दन को फट देगा, काट देगा, उसकी लंका को जला देगा, कसम वाह गुरु जी। ये लो आटा। ये लो पैसे। अरे रहने तू, तुलसी रानी फुर्सत में आ जाना। क्या? आहिस्ता बोलो। क्या? एक बार फिर आ जाना, मुंह मांगे दाम दूंगा। दोगे? हाँ, राम कसम। अरे एक बार तो मांग के तो देख। 16 बरस की लड़की को औरत बनाने वाले, क्या तुम मुझे फिर से लड़की बना सकते हो? अरे तुलसी रानी, भगवान भी कली से फूल बनाता है, फूल से कली तो वो भी नहीं बना सकता। अरे भगवान तो इंसान के साथ साथ तुम जैसे शैतान भी बनाता है। ये लो आटे के पैसे, और पहले की 2, बाकी रह गए 10। बस। अरे ओ मुच्छे वाले, कपड़ा गर्ज गर्ज फाड़ते हैं और जबान मील भर निकल रखी है। सुना है तूने अपनी बेटी को, शादीशुदा नहीं, अपनी कुंवारी बेटी को चौथी बार माँ बनने से बचा लिया। क्या भक्ति हो? अरे लाला, तुम्हारी गंदी मैली और लूटी हुई इज्जत के थान जिस धोबीगढ़ पर धुलते हैं ना, मैंने भी अपने बेटे को वहीं पर जन्म दिया था, उसी डॉक्टरानी के पास। वाह लाला वाह, अपनी बेटी को मां नहीं बनने देना, दूसरों की बेटियों को मां बनाते जाओ। जा 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 जा। जाती हूँ। तुलसी, ये लो। ये क्या? इसमें तुम्हारे बेटे के लिए खिलौने हैं। बाबू, मैंने तो सोचा था तुम रात भर मेरी गंदी जिंदगी के बारे में सोचोगे और सुबह मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करोगे, लेकिन लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुलसी, अगर तुमने ऐसा सोचा बाबू तो... मैंने बहुतों को देखा, बहुतों को जाना, जिसकी जिंदगी पर कलंक लग जाए ना, उससे दुनिया दूर भागती है, और मैं बाबू, मेरी जिंदगी सिर्फ कलंक ही नहीं, ग्रहण है ग्रहण। तुलसी, मेरी मजदूर साथी, लोग कहते हैं जब ग्रहण लगे ना तो जिस चीज में 2 पत्ते तुलसी के डाल दो उसे ग्रहण नहीं लगता। तुलसी, तुलसी तो औरों को ग्रहण से बचाती है, तो तुलसी को ग्रहण कैसे लगने लगा? बाबू मेरी तारीफ मत करो, मैं रो पड़ूंगी। अरे रोए तेरे दुश्मन। बाबा। हाँ बेटी। वो अपना बाबू है ना, बहुत ही अच्छा है। हाँ बेटी, वो बाबू बहुत अच्छा है, तेरी बड़ी तारीफ करता है, तुझे छुट्टी भी दे देता है, मुन्ने के लिए खिलौने भी लाया। मगर बेटी, तू इस लायक नहीं है जो किसी के बारे में ज्यादा सोचने लगे, न जाने उसकी हमदर्दी में क्या बात छुपा है। बाबा, अगर उस दिन जगू के आदमियों के चाकू सचमुच चल गए होते तो क्या होता बाबू का? वो मर सकता था। तो जो आदमी किसी के लिए मरने को तैयार हो जाए, उसके हमदर्दी में पाप कैसे हो सकता बाबा? तो ठीक कहती है बेटी, लेकिन बाबू आसमान वाले लोग हैं, हमारा तो धरती पर भी ठिकाना नहीं, इसीलिए कहता हूँ बेटी, तू बाबू के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दे। मैं कौन सा जानबूझकर सोचती हूँ? ये सोच जानबूझकर मुझे सोच में डाल देती है, पर तुम भी ठीक कहते हो, बाबू के बारे में नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगी, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। बाबा। हाँ।
बाबू ने खिलौने कितने पैसे में लिए होंगे? फिर बाबू की बात। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पर जानते हो बाबा, बाबू कह रहा था, उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। तबीयत ठीक थी और दिल, तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, और दिल थी, हाँ दिल थी, आज दिल भी बेकरार ना था। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार, बेकरार न था। ये तब की बात है जब किसी से प्यार न था, जब से प्रीत सपनों में समाई मार गई, मन के मीठे दर्द की गहराई मार गई, नैनों से भी नैनों की सगाई मार गई, सोच सोच में जो सोच आई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। कैसे वक्त में हाय हाय, कैसे वक्त में, कैसे वक्त में हाय, कैसे वक्त में आके दिल को दिल की लगी बीमारी, कैसे वक्त में, कैसे वक्त में आके दिल को दिल की लगी बीमारी, महंगाई के दौर में हो गई महंगी यार की यारी, कैसे वक्त जब लगाई मार गई, दिल लगी जो प्यार की दुहाई मार गई, दिल की बात दुनिया को बताई मार गई, और दिल की बात दिल में जो छुपाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई।
शक्कर लाते थे अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई तुझे क्यों मौत ना आई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, शक्कर में ये आटे की मिलाई मार गई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लैन की लंबाई मार गई, जनता जो तीखी चिल्लाई मार गई, बाकी कुछ बचे महंगाई मार गई महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई महंगाई मार गई। बच्चे की पढ़ाई मार गई पढ़ाई मार गई, बेटी की शादी और सगाई मार गई सगाई मार गई, किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, कपड़े की किसी को सिलाई मार गई, किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, कपड़े की किसी को सलाई मार गई, ओ किसी को मकान की बनवाई मार गई। जीवन दे बस तीन निशान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ढूंढ ढूंढ के हर सच सच बोला तो सच्चाई मार गई सच्चाई मार गई सच्चाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई महंगाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई महंगाई मार गई। सुनो सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, आज से काम बंद किया जाता है। सेठ जी कहते हैं सरकार ने जायदाद पे सीलिंग लगाने का सोच लिया है, इसलिए फिलहाल बिल्डिंग का काम बंद किया जाता है। आप सब लोग कल लाकर अपना अपना हिसाब लेते जाना। देखो मुनीम जी, ये रही इस कंपनी की टोपी और चश्मा, बाकी बाकी कुछ बचिया महंगाई मार गई। क्या और नहीं, अगर तुम मुझे रुपया नहीं दोगे तो मुझे अपने लड़के की कीमत कहीं और से वसूल करना होगी, मुझे दामाद खरीदना है। लेकिन दामाद तो कन्यादान से मिलता है। मिला करता था, अब खरीदा जाता है, और तुम्हें भी दामाद खरीदना होगा। लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो। मैं भी मजबूर हूं, लेकिन पुराने ताल्लुकात को नजर में रखते हुए मैं तुम्हें 8-10 दिन की मोहलत देता हूं, ताकि तुम बाद में यह ना कह सको कि रामचंद्र जबान दे के पलट गया। 8-10 दिन क्यों, आप अभी सुन लीजिए। शाबाश बेटे, ये हुई ना बात, तुम्हारे जैसे भाई के होते हुए
ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 20,000 रुपए के लिए बहन का रिश्ता टूट जाए? भाड़ में गया ऐसा रिश्ता। पिताजी, जो राशन वाले का उधार चुकता नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 साल से इस मकान का किराया नहीं दिया, वो इन्हें 20,000 रुपया कहां से देंगे? बात जल्दी हिसाब होगी। रामचंद्र, भारत नादान है, इसकी बात छोड़ दो, मुझे 8-10 दिन की मोहलत दो। 8-10 दिन के लिए अपनी नींद को क्यों हराम करते हैं? इनसे आज ही कह दीजिए कि कर दें ये अपना बेटा नीलाम और कमा लें 20,000 रुपया। चंपा की किस्मत में होगा तो उसे प्रकाश से अच्छा लड़का मिल जाएगा। प्रकाश से अच्छा तो क्या, अब तो प्रकाश भी नसीब नहीं होगा। ऐसा मत कहो, मुझ पे तरस खाओ रामचंद्र। मेरे पिताजी ने कितने चाव से यह रिश्ता माना था, वो कितने खुश थे चंपा रामचंद्र के घर जा रही है। मैं कुछ भी करूंगा, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। मैं वचन देता हूँ रामचंद्र। मेरे वापस आने पे आप खुश नहीं? खुश तो मैं बहुत हूँ बहन, लेकिन ये क्या, मुझे आने की खबर नहीं दी न सही, मगर भारत को न चिट्ठी न तार। मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। भारत भैया, ये सब लोग कहाँ गए? आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें अस्पताल ले गए। कौन से? इरविन अस्पताल। मिस्टर भारत, अगर ये इंजेक्शन और दवाइयाँ आप जल्दी से ले आएं, तो मुमकिन है हम इन्हें बचा सकें। जी। पैसे हैं? बंदोबस्त हो जाएगा। क्या बात है तुलसी, इतनी रात गए आंज गया? अपने बाबू को आपका घर मालूम नहीं था? क्या बात है भारत। जी, मुझे कुछ रुपया चाहिए। भाई, हिसाब तो कल सुबह ही होगा। हिसाब की बात नहीं मुनीम जी, मैं मुसीबत में हूँ। मेरे पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं, थोड़ी मदद कर दीजिए, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। राम कसम भारत, अगर मेरे पास कुछ भी होता तो तुम्हारी मदद करने में एक पल की देर नहीं करता। अच्छा, सच बोल रहे हो? राम कसम। राम कसम बाबू, ये बाबू लोगों के पास दवाई के लिए भी पैसा नहीं? सवाल 2-5 रुपए का नहीं तुलसी, सवाल 2-500 रुपयों का है। ओ, तो आप क्या करोगे? आखिरी उम्मीद मुनीम जी से थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। बाबू तुम यही ठहरो, मैं अभी आई। तुलसी, बस 2 मिनट की छुट्टी, मैं गई और आई। तुलसी, बाबू तुम्हें उन खिलौनों की कसम जो तुम मेरे बेटे के लिए लाए थे, मेरा इंतजार करना। तुलसी तूने आकर मेरे घर का दरवाजा खटखटाया, मेरी तो किस्मत खुल गई। बोल क्या सेवा करूं? लाला, तूने कहा था ना, एक बार फिर से आजा तुलसी, मुंह मांगे दाम दूंगा। ले तुलसी आ गई। बोल सेवा में क्या अर्पण करूं? 700 रुपए। 700 रुपए? हाँ लाला, उस दिन तुम तीनों ने मिलकर मेरी कीमत लगाई थी, आज मैं अपना सौदा खुद करने आई हूँ। जल्दी से दे दे लाला, वरना कपड़े वाले के पास चली जाऊंगी, वो तो 1,000 भी दे देगा। अरे किस मनहूस का जिक्र कर रही है, दुकान पर आ जा। पहले रुपए दे दूंगा, जल्दी क्या है? जल्दी है लाला, तू देता है कि मैं जाऊं? तुलसी, कहीं ऐसा ना हो कि तू 700 रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाए। लाला, तुलसी जबान की पक्की है, और जानते हो तुम्हारी औलाद को मजदूरी करके पालती हूँ, और यही नहीं तुम लोगों का पुराना हिसाब भी चुकता करे। अरे पुराने हिसाब को छोड़, जल्दी से देते लाला, मैं गई और आई। अच्छा, दुकान पर आ जाना है, ले 700 रुपए। तुलसी, तुम्हारा गला इसलिए नहीं घोंट सकता, इस पाप में बलिदान है, और पांव इसलिए नहीं छू सकता, इस बलिदान में पाप है। तुलसी, अपनी इज्जत बेचकर तू मेरी मदद करना चाहती है? बाबू, इज्जत तो पहले ही इन्होंने लूट ली थी, आज तो बेइज्जती का सौदा कर रही थी। ला ला ला। तुलसी, मैं जानती हूँ बाबू तुलसी इस लायक नहीं है कि तेरी रामायण का कागज भी बन सके, मगर तेरी मजदूर साथी तो हूँ। मेरी मजदूर साथी, मजदूरी कर और खा अपने मजदूर साथी की सौगंध, कि आज के बाद तू कभी किसी के लिए अपना सौदा नहीं करेगी। हाँ तुलसी, और समाज के कलंक, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं,
दफा हो जा, दफा हो जा। मगर बाबू, तुम्हारा बाप बीमार है। मुंशी, अपनी किस्मत बीमार है। हाँ, तू घर जा, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। ये रही आपकी दवाइयाँ और ये रहा बिल, 525 रुपए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपए हैं। तो फिर 25 रुपए की दवाई लो भाई, मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? देखिए, मेरे पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं। एक दिन मेरे पिताजी भी बहुत सख्त बीमार थे। मुझे गलत मत समझिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री वाला। आप ये डिग्री अपने पास रखकर मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए, कल मैं हिसाब चुकता करके ये डिग्री वापस ले जाऊंगा। डिग्री? हाँ? ए दोस्त, नौकरी मिले तो डिग्री डिग्री, नहीं तो बिगड़ी बिगड़ी। देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम असली चेहरा और असली मजबूरी लेकर आए हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि ये दुकान मेरी नहीं। एक्सक्यूज मी, हेलो शुक्ल भारत। भारत, बस बस एक चोरी करना बाकी रह गया था। पिताजी कैसे हैं? तुम्हारी जमानत कल सुबह होगी और फिर केस भी खत्म हो जाएगा। चलो। नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। सुनो, जहां आज जाना है तुम्हें, वहां मैं ही लेकर जा सकती हूँ। डिग्री जेब में लिए बेकार घूमता रहा। और भैया, आखिरी सांसों में जब बाप को पता चला कि उसका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उसने दम तोड़ दिया। ऐसी औलाद से तो ना होना अच्छा है। लोग ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी, और आप भी ठीक ही कहा करते थे। ये डिग्री कर्ज है मुझ पे आपका, मैं ना तो इसे चुका पाया और ना ही चुका पाऊंगा। आप अपना कर्ज वापस ले लीजिए पिताजी। जिस इंसान ने नौकरी की आखिरी उम्मीद को फाड़ के चला दिया, उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। सर, सर, ये नोटिस, मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है, ऐसा क्यों? दफ्तर में उसे ही रखा जाता है जो दफ्तर के लिए ठीक हो। तो क्या सर, मैं दफ्तर के लिए ठीक नहीं? छोटी बातों पर ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं, तुम जा सकती हो। आप? हाँ, मैं मोहन की माँ हूँ, आप शीतल के भैया और भाभी। जी। आप सुनेंगे अपनी बहन के करतूत, इसने अमेरिका में क्या क्या किया? क्या किया इसने? इसने हम माँ बेटे का दिल जीत लिया। जी? और मैंने अपने बेटे को हुक्म किया, दफ्तर पहुँचते ही शीतल को नौकरी से निकाल दिया। जिस लड़के को मैंने अपनी बहू बनाने का फैसला किया, वो मेरे बेटे के दफ्तर में नौकरी करे? राम राम। शीतल, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि ऑफिस में उसे ही रखा जाता है जो ऑफिस के लिए ठीक हो। ठीक ही कहा था ना मैंने? मोहन साहब। हाँ भाई साहब, अब आप ये मत कहिएगा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आपके बहन में जो गुण है पूछिए, कहिए ये रिश्ता मंजूर है? ये आप शीतल से ही पूछ लीजिए। जब पूछने पर मेरे बेटे ने मना नहीं किया, तो ये क्यों करने लगी? बोलो बेटी। अगर आप लोग इजाजत दें, तो मैं शीतल से अकेले में बात कर लूं। हम्म? क्यों शीतल? हाँ हाँ, आइए। नमस्ते।
शीतल, मैं उस दफ्तर का मालिक हूं जहां तुम काम करती हो। इस दबाव से दबकर शादी के लिए हां मत कहना। शादी ब्याह जिंदगी का सौदा है और जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है जो कि सिर्फ नौकरी के हाथों बिक जाए। क्या टूटा? जी जी कुछ खास नहीं। फिर भी अगर मन ना माने तो कोई बात नहीं, दफ्तर में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। अरे आसान सी बात है, तुम किस विचार के समंदर में डूब गई? सर, जो इंसान छोटी छोटी खुशी को ढूंढता हो उसके सामने खुशियों का भंडार खुल जाए तो उसे यकीन नहीं आता, वो फिर बहुत से समुद्र में डूब जाता है। सर, आपने मुझे इस लायक समझा, ये मेरी खुशकिस्मती है। देखा, बहुत बड़ी मोटर में आए थे। छोटी मोटर के नीचे आने वाला शायद बच भी जाए, बड़ी मोटर उसे कुचल डालती है। शीतल, ये क्या किया तुमने? जो कुछ किया ठीक किया। भारत गरीब है इसलिए उसका साथ छोड़ दिया। भैया, कल अगर मोहन बाबू से भी कोई अमीर आदमी आ जाए तो क्या मोहन बाबू का भी साथ छोड़ दोगी? भैया, मैं आपकी बहन हूँ और बहन की खुशी से जला नहीं करते। मैं जला या नहीं जला ये मैं नहीं जानता, लेकिन भारत को राह कर दिया तुमने। भैया, मैं कब तक देखती रहती कि कब उसे नौकरी मिलेगी, कब वो कमाएगा, कब जिंदगी में सुख देगा। भैया, जो आदमी चोरी करके भागते हुए पकड़ा जाए वो जिंदगी भर भागता रहता है। भैंसों का साथ मिनटों में छोड़ दिया। जब तक साथ देने के लायक था मैंने साथ दिया, अब क्या? गरीबी के सिवाय भारत में और क्या बुराई है? भैया, तुम गरीबी की चार दीवारी में रहकर गरीबी के हो गए हो। मैंने मोहन बाबू के साथ दुनिया देखी है और आज जिंदगी में पहली बार जिंदा रहने का मौका मिला है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भैया, जाओ, तुम्हें मोहन बाबू के घर जाना है। नहीं भारत, मैं नहीं जाऊंगा। भैया, तुम शीतल के बड़े भाई हो और बड़ा भाई पिता समान होता है। हाँ, तुम्हें मेरी सौगंध। जाओ भैया। भारत, तुम भी घर जाओ, तुम्हारी जगह मैं कोई दूसरा प्रोग्राम एडजस्ट कर लूंगा। नहीं सिकंदर, नहीं। मैं जानता हूं कि ये दुनिया हंसेगी कि बाप की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और बेटे ने गाना शुरू कर दिया, लेकिन ये दुनिया ये नहीं जानती कि उसी बाप के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी करने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। टीवी पे गाऊंगा, कुछ रुपया तो मिलेगा, कुछ आग तो बुझेगी। बेटे, एक अंगूठी को छोड़कर सगाई की सब रस्में पूरी हो गई। ये ले, शीतल को पहना दे। अरे, हाउसफुल? जी जी, ये तो मामूली सी अंगूठी है, अभी उतार देती हूँ। बुरी फंसी जी। जी कौन? अंगूठी उंगली में। तो कटवा दीजिए। भगवान की है, और फिर अंगूठी की तो बात है, बाएं हाथ में नहीं तो दाएं हाथ में। लाओ दाएं।
रेडी। हमारे विशेष संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक गीत। गायक कलाकार हैं भारत। और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नजर अपनी साकी, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, और नहीं बस और नहीं। अपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सच्चाई का मोल नहीं, चुप हो जा कुछ बोल नहीं, प्यार प्रीत चिल्लाएगा तो अपना गला गंवाएगा, पत्थर रख ले सीने पर, कसमें खा ले जीने पर, कसमें खा ले जीने पर, गौर नहीं है गौर नहीं, परवानों पर वार नहीं, आंसू आंसू ढलते हैं, अंगारों पर चलते हैं, तो और नहीं बस और नहीं। कितना पढ़ूं जमाने को, कितना गढ़ूं जमाने को, कितना पढ़ूं जमाने को, कितना गढ़ूं जमाने को, कौन गुणों को गिनता है, कौन दुखों को चुनता है, हम दर्दी का फूर हुई, नेकी चकना चूर हुई, जी करता बस खो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं, दौर नहीं ये दौर नहीं, इंसानों का दौर नहीं, फर्ज यहाँ पर फर्जी है, असली तो खुद गर्जी है, तो और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं बस और नहीं। हो गई
गई दुनिया बेकार हो गई दुनिया मरने लगी शर्म अब तो बिकने लगे सनम अब तो ये रात है नजारों की गैरों के साथ यारों की तो जी है बिगाड़ दूं सारी दुनिया उजाड़ दूं सारी दुनिया उजाड़ दूं सारी जोर नहीं है जोर नहीं दिल पे किसी का जोर नहीं कोई आग मचल जाए सारा आलम जल जाए तो और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और नहीं वाह वाह जब कोई दिल जला गीत छेड़ता है तो दिलों में आग लगा देता है और वो क्या शेर था तो जी है बिगाड़ दूं सारी दुनिया उजाड़ दूं सारी क्या शेर बिजली का बिल नहीं दिया बिजली वाले आए और कनेक्शन काट दिया जिस जिस का बिल अदा नहीं किया उसी ने कनेक्शन काट दिया भारत रामचंद्र जी ने चिट्ठी भिजवाई है पढ़ना तो क्या लिखा है क्या लिखा क्या करोगी सुन के मां सब खैरियत तो है चंपा के होने वाले ससुर ने लिखा है कि अगर एक महीने के अंदर उन्हें रुपया ना दिया तो फिर दोष उनका ना होगा लानत भेजो ऐसे रिश्ते पर इन्हें ऐसा खत लिखते हुए शर्म नहीं आई देखो भैया ना तो चंपा कॉलेज जाएगी और ना ही मुझे डिग्री लेगी हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाएंगे दीपक जब तक इस घर में मैं सिर्फ एक बेटा था ना मैं भी तेरी तरह बगावत की भांति किया करता था अब नहीं कर सकता दीपक तुम्हीं ने बताया ना कि पिताजी के आखिरी शब्द यही थे कि अगर चंपा का ये रिश्ता टूट गया तो उनकी आत्मा को सुख नहीं मिलेगा जीते जी नहीं मिला मरने के बाद तो मिलना चाहिए भैया अब तक सारा बोझ आपने अपने कंधों पे लादा अब नहीं क्यों अब मेरे कंधे कमजोर हो गए हैं क्या अगले इनमें इतनी ताकत है कि तुम्हें तुम्हारी डिग्री के लिए इम्तिहान का दाखला दे सकूं इन कंधों में इतनी ताकत है चंपा के हाथ पीले कर सकूं
सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पिताजी चाहते थे। मुझे काम के सिलसिले में किसी से मिलना है, अभी गया और अभी आया। सेठ जी, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जिससे मुझे एक महीने के अंदर बहन की शादी के लिए 20,000 रुपया, भाई के इम्तहान का दाखला मिल सके, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इन कोरे कागजात पर दस्तखत कर दो। अच्छा हुआ तुमने अपना रास्ता बदल दिया पंडित जी। अब है ना तुम्हारे दिन एकदम फिर जाएंगे। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे, घूमने के लिए गाड़ी और फिर रहने के लिए आलीशान मकान। मुरली वाले का पुजारी हूँ, उसके सुदर्शन चक्र से अपना चक्कर चल ही जाता है। अगर किसी दिन ये चक्कर न चला तो। कसम पुरानी दिल्ली की, क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, जस्ट फर्ज करो कि इस गंजे सॉरी मिस्टर कमलदीप और रिन के साथी जो अनाज और कपड़ा गोदामों में दबा के भाव बढ़ा देते हैं, मिस्टर क्या राजन, ये और इनके कुछ 3,000 साथी सीमेंट और लोहा ब्लैक में बेच के नफा कमाते हैं। फर्ज करो कि अगर ये सब पकड़े जाए तो। कसम पुरानी दिल्ली की, पसीना आ रहा है। अगर सरकार को ये पता चले कि आप और आपके दूसरे साथी जनता को दुखी करके सरकार को खत्म करने के लिए दूसरे मुल्क से पैसा भी लेते हैं तो। पुरानी के साथ साथ नई दिल्ली की कसम फांसी पक्की। सेठ जी डर गए। रोटी कपड़ा और मकान पर कब्जा करने वालों के दिल छुए जैसे। मैंने तो मजाक किया था डार्लिंग। मलिका नेकी राम, ऐसा मजाक मत किया करो, मत किया करो। सेठ जी भारत आ गए तुम? जी सेठ जी। काम हो गया? माल दिया, माल लिया, ये रहा आपका बैग। मेरा बस चले तुम शादी में पल भी देर ना होने दो, लेकिन माँ का कहना है कि शादी का मुहूर्त कुछ महीनों तक नहीं है, और माँ का कहना मैं टाल नहीं सकता, और माँ की होने वाली बहू एक छोटे से घर में रहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और शादी से पहले हम दोनों साथ में रहें ये समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए घर लिया है। शादी तक तुम, तुम्हारे भैया, तुम्हारी भाभी इस घर में रहना, कैसा आएगा? इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। पहचाना मुझे? ओ तुम दोस्त, उस रात के लिए मैं माफी चाहता हूं। उस रात तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। दोस्त किया तो तुमने भी वही था जो उस वक्त तुम्हें करना चाहिए था। सुनो, तुम आज भी असली नकली चेहरा पहचानते हो? सच और झूठ तो इंसान के चेहरे पर लिखा होता है। तो ये लो 1,000 रुपया। किस लिए? अगर कोई मेरी तरह हालात का मारा असली चेहरा और असली मजबूरी लेकर आए तो उसके पीछे पुलिस मत दौड़ाना। मेरा बाप तो नहीं बच सका, शायद उसका बच्चा है। वाह वाह, क्या घर लिया है भारत ने, मजा आ गया। आप रुपया तो गिनिए। बेटे तुम क्या समझते हो, अगर ये रुपया तुम मुझे नहीं देते तो क्या मैं रिश्ता तोड़ देता? मैं इतना कमीना नहीं हूँ। सच? भगवान की कसम। अगर इन रुपयों के बगैर ही चंपा का ब्याह हो सकता है तो बोलिए बारात कब लाएंगे रामचंद्र जी? रुपया अगर ना दूं तो दोष मेरा ना होगा। अभी तो आप कह रहे थे कि आप इतने कमीने नहीं। वो तो मैं मजाक कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कमीने हैं। बेटे मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता का बचपन का दोस्त, तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा, ये लो नोट और टाटा। अच्छा, जब का तुम लोग कहोगे शादी पक्की, शादी हो जाएगी। धन्यवाद। वाह 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 भैया, मजा आ गया। थी, 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 थी। अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसा कहते हैं? होने वाले है ना माँ, है तो नहीं। बिल्कुल
आओ आओ दीपक, बन गए इंस्पेक्टर, हो गई जिद पूरी। सवाल जिद का नहीं है भैया। दीपक, आज जब अपने पास सब कुछ है तो फिर ये नौकरी करने की क्या जरूरत है? भैया, हमने डिग्री का और डिग्री ने हमारा बड़ा अपमान किया है, और आज जब मेरी डिग्री हमें मान दे रही है तो हमें भी इसे मान देना चाहिए। क्या सुना तुमने? तुम किस सोच में डूब गई मां? विजय की अल्लाह खैर करे। क्या बात है हमीद मियां, आज अल्लाह को बहुत याद कर रहे हो? अबे नास्तिक, तू भी तो कभी राम का नाम लिया कर। लेता तो हूँ रोज। मैं तो हमेशा तेरे मुंह से तेरे भाई का ही नाम सुनता हूँ। जब सुनो तो एक ही रट कि अमित मियां, मेरा भाई भारत क्या इंसान है, क्या कैरेक्टर है, क्या किरदार है। अमित मियां, जिंदगी के भटकते हुए मोड़ पर अगर मेरा भाई मुझे नहीं मारता तो शायद आज मैं इस सीमा पर लड़ने वाला सिपाही नहीं होता, देश का दुश्मन होता। अमित मियां, मैं अपने आप को लक्ष्मण तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा भाई राम है, राम। फ्रांसिस, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो। बिल्कुल फिट हूँ साहब। तो फिर ये खांसी? इस खांसी से बचपन में माँ परेशान थी, स्कूल में टीचर, फौज में डॉक्टर। ये बीमारी नहीं, आदत है, आदत साहब। लेकिन दुश्मन के इलाके में कभी कभी सांस भी रोकनी पड़ती है, उस समय अगर तुम्हें ये खांसी का दौरा पड़ा तो? बाय गॉड, फ्रांसिस अपनी सांस को रोक कर खांसी को भी खा जाएगा साहब। पुलिस से बचने का एक ही रास्ता है कि गाड़ी छोड़कर भाग जाए। भारत, ये संभाल कर रखो, इसमें 2 करोड़ के हीरे हैं। पुलिस तो निकल गई, लेकिन ये मलका नेकी राम कहां मर गई? पूनम। अरे तुमने मुझे पहचान लिया? कैसी लगती है? बाबू जी आ गए, राम प्यारी, बुला पंडित को और दिला दे फेरे। फेरे? हाँ फेरे। बाबू जी, बिटिया ने हमें सब कुछ बता दिया, इसके माँ बाप शादी के खिलाफ थे, तुम इसे भगा कर ले आए, घर वालों ने पुलिस पीछे लगा दी, इसलिए मैंने राम प्यारी से कहा कि राम प्यारी इसे ऐसे कपड़े पहना दे ये दुल्हन भी लगे और पुलिस भी न पहचाने। है बात पसंद आई पंडित जी? पंडित जी? तो क्या दुल्हन है, शादी कराने वाला पंडित है? नहीं काका नहीं, ये पंडित भी और दूल्हा भी है। अच्छा पंडित जी, इस गांव के खुली हवा में तुम भी घुल जाओ, कुछ पियोगे? अभी लाया, मौसम भी है, संतरा भी है। हाँ, फल का फल और नशे का नशा। तो पूनम, मौका तो देख लिया होता, अगर पुलिस आ गई ना तो तुम्हारा ये नशा हम सबको ले डूबेगा। ना धर्म बुरा, ना कर्म बुरा, ना गंगा बुरी, ना जल बुरा। ना धर्म बुरा, ना कर्म बुरा, ना गंगा बुरी, ना जल बुरा, पर पीने वालों को
ये कपड़े देखिए, ये कपड़े किसके हैं? मेरे हैं बचपन के। ये कपड़े किसके हैं? उनके। हेलो हेलो, ईगल 402 स्पीकिंग। गश्त पार्टी के मुताबिक पुल टूटने की वजह से बढ़ती हुई हिंदुस्तानी फौज घिर चुकी है। अगर अपने टैंक्स को वेस्ट बैंक से वेस्ट की डायरेक्शन में ले जाएं, तो हिंदुस्तानी फौज को घेरे में लेकर खत्म किया जा सकता है। ओवर एंड आउट। अमित, अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए और ईगल 402 बंद कर इनके हेडक्वार्टर्स को खबर दी जाए कि पुल बन चुका है, इसलिए बजाय वेस्ट को ये लोग अपने टैंक्स ईस्ट को भेजें, तो ना सिर्फ हमारी कंपनी बच जाएगी बल्कि हमारी आर्टिलरी इनके टैंक्स उड़ा देगी। मगर ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो सिर्फ 5 हैं। हो जाएगा। देखो सर, सिर्फ 4 ही लाशें मिली हैं। अभी खबर मिली है कि हिंदुस्तानी फौजों ने पुल बना लिया है, इसलिए वेस्ट के बजाय अगर ईस्ट की तरफ अपनी टैंक फोर्स भेजी जाए तो बेहतर रहेगा। ओवर एंड आउट। अमित भाई, अमित भाई, अपने साथी बच जाएंगे, अपने साथी बच जाएंगे। अमित भाई, विजय भाई, हौसला हौसला ली जाना है, भाईजान से मिलने। इतने सारे रुपए? अरे तुलसी, ये रुपए तो मुन्ने के लिए हैं। पर बाबू। तुलसी, तुम्हारा मजदूर साथी अब इस लायक हो गया है कि वो अपने मजदूर साथी के रहने के लिए एक मकान, पहनने को अच्छे से कपड़े और खाने के लिए अच्छी रोटी का बंदोबस्त कर सके। कल आऊंगा और तुम लोगों को इस बस्ती से दूर ले जाऊंगा। चलो हरनाम सिंह,
कार तक छोड़ा। मैं भी चलती। नहीं तुलसी, तुम बाबा के साथ वापस जाओ, इन्हें आने में तकलीफ होगी। चलो ना। मैं प्राजी को जरा गड्डी तक छोड़ के आता हूँ, फिर पैन पर खुल के बात करेंगे। कल लुधियाने जाना ना वापस। चलो प्राजी। आज तो उठा ही लेना। अरे तुलसी, हमने भी सुन लिया कि हमारी तुलसी बस्ती से दूर बाबू के दिलवाए हुए बड़े मकान में जा बसेगी। कौन हो तुम लोग? जी हम आपके दामाद हैं तीनों। अच्छा, तो तुम ही वो भेड़िए हो? अरे ससुर जी, अब भले भेड़िए कहो या कुत्ते, हैं तो आपके अपने ही। देखो मैं कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। अरे तुलसी, अगर आज हमने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया तो कल तो ये बस्ती छोड़ देगी। ना नहीं छोड़ते। ओ, तो तुम लोग नहीं मानोगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन मेरे बाबा को भी साथ ले चलो। बाबा चलो। चल भाई राशन वाले, उठा अपने ससुर की टोली को। चल भाई राशन वाले, रखते आओ आओ कुत्ता। इसे संभालो, मैं दिखती हूँ। तुमको पहले भी कहा था कि तुलसी मेरी पैर है और इस देश की बेटी, और मैंने तुलसी को कहा था कि कसम वा गुरु दी, अगर तेरे जीवन में कोई रावण आया ना तो मैं उसकी गर्दन को काट डालूंगा। तेरा पारा मिठा लागे। अपराधी, गुरु महाराज कहते सन कि सवा लख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम का हूं। मेरे हिस्से में तो सिर्फ तीन ही आए। चलो तीन रावण मार के
राम सिंह को फांसी लगती है तो लगड़ दो, की फर्क पड़ता। हरनाम सिंह, सारी बस्ती जानती है कि तुम निर्दोष हो, पापी वो लोग थे। और हरनाम सिंह, आज अपने पास सब कुछ है, मैं इंसाफ के लिए बड़ी से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, बड़े से बड़ा वकील करूंगा, तुम बरी हो जाओगे हरनाम सिंह। बाबू मैं और आपके घर क्यों नहीं? बाबू मैं इस लायक नहीं कि तुलसी, एक दिन मैं मुसीबत में था तो तुम अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गई थी, और आज कहती हो कि तुम इस लायक नहीं कि मेरे साथ मेरे घर चल सको। तुलसी, तुम्हारी रामायण में राम नहीं, मेरी रामायण में सीता नहीं। हाँ तुलसी, चलो घर चले। माँ, यही है तुलसी, मेरी मजदूर साथी, आज से इसी घर में रहेगी। भैया, विजय, माँ, विजय कहाँ खो गया था रे विजय, कहाँ चला गया था? कुछ नहीं माँ, मोर्चे पे था, देख नहीं रही ये वर्दी? भैया, मैंने कहा था ना कि जब तक इस लायक ना हो जाऊं कि अपनी शक्ल दिखा सकूं घर वापस नहीं आऊंगा। हाँ जी, हम तो इस लायक भी नहीं कि भैया हमसे बात ही कर सके। अरे चंपा, तेरी तो चंपी करूंगा मैं शरीर कहीं के। ए, मेरे हिस्से की राखी रखी है ना, दाहिने हाथ में ना सही बाएं हाथ में बांध देना। भारत, आप? ये आजकल तुम भारत भारत बहुत करने लगी, अगर तुम्हें नाम बहुत पसंद है तो चलो आज से हम अपना नाम भारत रख लेते। अपने कॉलेज में शीतल ने एक ड्रामा किया था, उसके हीरो का नाम भारत था। विलन का नाम मोहन तो नहीं था? नेगी राम प्लान के मुताबिक आप लोग अपने अपने प्रोविंस में अपने अपने प्रांत में गेहूं, चावल, सरसों का तेल, मट्टी का तेल, घी, बाजरा, मक्का, खाने पीने की हर चीज को खरीद कर खुफिया गोदामों में दबा दें। जैसे जैसे माल दबेगा वैसे वैसे भाव उठेगा, 1 करोड़ की लागत पर 20 करोड़ का मुनाफा होगा। बोली आपका मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। वाह 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 वाह, ये हुई ना एकता, मुझे खुशी है कि आपने नेकी राम की बात मान ली। और इस खुशी के मौके पर मैं आशा रखता हूं कि आप नेकी राम के घर पर आकर एक छोटी दावत कबूल फरमाएंगे। अरे मोहन बाबू, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप जैसे होनहार आदमी को देखकर तबीयत बाग बाग हो जाती है। भगवान करे हर बिजनेसमैन आप जैसा ईमानदार हो जाए। आइए आपको दोस्तों से श्री काली चल, श्री गोपाल, और आप हैं श्री भारत, और यह है शीतल, मेरी होने वाली पत्नी। शायद आपको पहले कभी देखा है? हाँ, किसी पार्टी मिले होंगे, आपको भी याद नहीं रहा, इनको भी याद नहीं रहा। पार्टी में नहीं साहब, आपने इन्हें टीवी पर देखा। टीवी, अब याद आया, हम लोगों की मंगनी की रात थी, मैं बहुत खुश था, और आपने एक तरफा गाना सुनाकर उस खुशी की घड़ी को चार चांद लगा दिया। क्यों शीतल? मोहन बाबू, खुशी के मौके पर तट भरा की छेड़ना बड़ी मनहूसी बात होती है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। अरे ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शीतल, बुत बनी खड़ी हो, भूल गई अपने पुराने दोस्तों को? ना ही मुझे पहचाना और ना ही भारत को। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पुरानी पहचान है? हाँ मोहन साहब, शीतल ने बहुत गीत गाए हैं टीवी पर, क्या जोड़ी थी इसकी और भारत की। अरे शीतल, हम सही पर्दा, बस यूं ही कभी मौका ही नहीं मिला। मौका मिला नहीं करता, मौका ढूंढा जाता। तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? शीतल भी है और भारत भी, और हम भी, तो हो जाए। एक मुद्दत हुई है इन दोनों के गीत को सुने हुए। क्यों शीतल, मिल गया ना मौका? मगर मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। क्यों साहब, आपको भी कुछ याद है? आप भी भूल चुके हैं।
ख्वाब के धुंधले शहर में अक्सर एक परछाई फिरती है। वाह, आपको याद है तो हो जाए, लेकिन आपको अकेले जाना होगा क्योंकि शीतल तो सब कुछ भूल चुकी है। कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, चलना मुझे आता है। तो छेड़ दो नगमा, भड़का दो चिंगारी और लगा दो आग महफिल में। ढलती रहे
तुमने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट। अरे हमीद, तुम्हारे बारे में विजय से इतना कुछ सुन चुका हूँ, लगता है मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। भाईजान, आपके बारे में इतना सुन चुका हूँ कि लगता है आपको सदियों से जानता हूँ। बरकुदार, वैसे आपकी उम्र कितनी है? काट दी ना बात। खैर भाईजान, किस्सा मुख्तसर सा है। ये विजय है ना विजय, हर वक्त आपके नाम की रट लगाए रहता था और कहता था कि हमारा देश मेरे भाई जैसे इंसानों के बल पर जिंदा है। और सच पूछिए तो भाईजान, जंग के मैदान में जिस जज्बे ने कमाल कर दिखाया, वो जज्बा आप हैं। हेलो, भोपाल से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। 15 लाख का गेहूं दबा लिया? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, पटना से बोल रहे हैं? 20 लाख का माल दबा दिया है। हेलो, अभी फिर से बोल रहे हैं? 20 लाख का माल दबा दिया, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो हेलो, बॉम्बे? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 2.5 करोड़ का अनाज दबा लिया, वेरी गुड वेरी गुड। मुबारक हो मुबारक हो। अरे सुबह हो गई, आज तो 15 अगस्त है, आज तो लाल किले पर प्रधानमंत्री की स्पीच है, मैंने आज तक मिस नहीं की। जब हम सुनते हैं कि जनता को कुछ कमी है, लेकिन बहुत बड़े दाम से वही वस्तुएं दुकान में या दुकान के पीछे दिख रही, और इसमें जरा भी संदेह नहीं मुझे है कि ऐसे लोग जो नाजायज तरीके से सामान को रोकते हैं और उनके भाव से बेचते हैं, वो लोग जो काला बाजार करते हैं, उनसे सबसे सख्त व्यवहार होना चाहिए, सबसे सख्त उनको सजा मिलना चाहिए। भैया देखो इस अमर जवान को, ये देश के लिए शहीद हो गए। देखो इस अमर जवान को, तुम रुपए के लिए शहीद हो गए। भैया तुमने ही कहा था ना, भूख से मर जाओ कोई गम नहीं, अगर जियो तो इस देश का सच्चा शहरी बन। नौजवानों को हमसे भी ज्यादा एक मजबूत शक्तिशाली भारत की जरूरत है, और भारत को नौजवानों की उतनी ही जरूरत है। भारत, आज तुम्हें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं, तो प्रधानमंत्री के भाषण सुनाई देने लगे। तुम चाहते हो दबाया हुआ अनाज बाहर निकाल दिया जाए। सेठ जी, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत तो इंसान को सदियों पहले भी थी, लेकिन तब उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी सिर्फ इसलिए कि तब अनाज दबाने वाले सेठ नेकी राम नहीं थे। भारत, अनाज दबाने वालों जरा बाहर निकलकर राशन की दुकानों पर भीड़ तो देखो। राशन की दुकानों की भीड़ कम करना हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। हमारा काम समाजवाद के सपने देखने वाली सरकार को खत्म करना है। सेठ जी, इससे पहले के हालात के मारे हुए 60 करोड़ इंसान अपने हाथ आप जैसे सरमायादारों की गर्दन की तरफ। अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सेठ नेकी राम के पास जो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कोरे कागजात हैं, वो तुम्हें फांसी के फंदों तक ले जा सकते हैं। यस इंस्पेक्टर दीपक स्पीकिंग। मैं आपको 8-10 खुफिया गोदामों का पता बताना चाहता हूँ। अगर आप वहाँ आज ही छापा मारें तो अनाज ही अनाज मिलेगा। इंस्पेक्टर दीपक। यस सर। तुम्हारे भाई के दस्तखत किए हुए कागजात हमें स्पेशल ब्रांच में भेजे हैं, और इन कागजात से ये सबूत मिलता है कि जिन जिन गोदामों पे तुमने छापा मारा वो तुम्हारे भाई के थे। ये नामुमकिन है सर। और यही नहीं, तुम्हें याद होगा जब मैंने स्मगलिंग के एक गैंग का पीछा करके पूनम नाम की एक लड़की को गिरफ्तार किया तो उसे किसी ने गोली का निशाना बना दिया, और इन कागजात से ये भी सबूत मिलता है कि उसका कातिल तुम्हारा भाई है। भारत के नाम वारंट, क्या कहते हो? ये कभी नहीं हो सकता, मेरा भारत कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकता। यही तो हैरानी है माँ। बाबा जी सच से काम काम हो गया? यस सर।
फ्लाइंग स्क्वाड को हर चौराहे पर, हर चौकी पर, हर एयरपोर्ट पर, यहाँ तक के रेलवे स्टेशन पर भी भारत की तस्वीर पहुँच चुकी है। अब वो शहर से बाहर नहीं जा सकते। गुड, तुम यहीं पर ड्यूटी दो। आज की ताजा खबर, बड़े बड़े शहरों में सिर्फ 4 दिन का राशन बाकी रह गया। सरकार दिल्ली से और पंजाब से गाड़ियों में अनाज भर भर कर भूखे शहरों को भेज रही है। सज्जनों, आपका ये दास नेकी राम आपको हमेशा नेक सलाह देता रहा है, आज फिर सलाह देता है कि अगर 2-4 रेल के पुल उड़ा दिए जाएं तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन नेकी राम जी, पुल उड़ाने से फायदा? फायदा? अरे जनता आग लगा देगी, सरकार का तख्ता पलट जाएगा, तब सरकार को मालूम होगा कि गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लेना कितना महंगा पड़ा। अगर सरकार व्यापारियों की पीठ पर छुरा घोंप सकती थी तो व्यापारी भी हाथ में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हुए। वाह सेठ नेकी राम, वाह। कौन कौन सा पुल उड़ाना है? मुझे ये बतला दिया जाए। पहला बार बंबई जाने वाली गाड़ी पर होगा ये काम। मैं आज रात को ही कर देता हूँ। और इसका इल्जाम भी भारत के सर होगा। वो कैसे? भारत के दस्तखत किए हुए कोरे कागजात जिंदाबाद कुछ पुलिस तक पहुँच चुके हैं और कुछ मेरे पास है। अब तक तो पकड़ा भी जा चुका होगा। भैया की गाड़ी। शीतल, आखिर बात क्या है? जी। कुछ घुटन है जिसके कारण दुबली होती जा रही हो। नहीं तो? अंगूठी निकालती हो, पहनती हो, ये शादी के कार्ड पसंद नहीं आए तुम्हें? मुझे आपसे कुछ कहना है। रोका किसने? दिल और दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश है। कहो ना। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मैं आपसे, मैं मुद्दत से जानता हूं कि तुम किसी और से प्यार करती हो, फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुमने उससे शादी क्यों नहीं की जिससे तुम्हें प्यार था, प्यार है? वो मेरी भूल थी। भूल नहीं, पाप कहो। हाँ हाँ, पाप। मैंने दौलत को प्यार से ज्यादा कीमती समझकर सपनों की ताजमहल को काला कर दिया। आप मुझे थप्पड़ मारने के बजाय ताली बजा रहे हैं। तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और शीतल, मेरा वो कहना कि माँ कहती हैं शादी की मुहूर्त में बहुत महीने बाकी हैं, सब झूठ था, नाटक था। मैंने ये सब कुछ तुम्हें परखने के लिए कहा था। और इस परख की कसौटी तो सेठ नेकी राम के घर भारत से हुई मुलाकात थी। तुमने कहा मैं भूल चुकी हूँ, उसने कहा मुझे सब कुछ याद है। वो अकेला गा रहा था कि तुमने मेरा हाथ छोड़कर उसकी आवाज में आवाज मिला दी। मैंने उसी वक्त तुम्हें अलविदा कह दिया था। शीतल, अगर मैं तुम्हें भारत से दूर लाया हूं तो मैं तुम्हें भारत के पास वापस भी ले जाऊंगा। मैं जानती हूं अब ऐसा नहीं हो सकता। होगा। मैं अभी गया, अभी आया। अरे वाह, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। शीतल ने आपको आवाज दी और आप आ गए। मोहन बाबू, शीतल की आवाज सुनने वाला भारत मर चुका है। हाँ, उस शीतल की कसम। कसम अपनों की खाई जाती है, पैरों की नहीं। नहीं भारत, शीतल अब भी आपसे प्यार करती है। मोहन बाबू, मैं दीवार पर सजने वाली तस्वीर नहीं जिसे जब मन में आया उतार दिया, जब दीवार सूनी लगी तो उसे फिर से लटका दिया। अरे गुस्सा छोड़ो यार, मैं तो अनजाने से तुम दोनों की कहानी में आ गया। अब जानबूझ के निकलना चाहते हैं आप? दोस्त, प्यार की कहानी एक ऐसा पिंजरा है जिसमें मन का पंछी फड़फड़ा तो सकता है
अगर निकल नहीं सकता। भारत, मोहन हंसते खेलते जिंदगी के हर मोड़ से निकल जाता है और घूम कर पीछे कभी नहीं देखता। आपकी हंसी रो रो के कहती है कि आपका मन दुखी है। मैं क्यों रोने लगा? इसलिए कि आप शीतल से प्यार करते हैं। नहीं भारत, तो प्यार करने वाले जब फिर से मिल जाएं, तो तीसरा प्यार करने वाला कभी दुखी नहीं होता। मोहन बाबू, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। हेलो। हाँ विजय, मैं बोल रहा हूँ। भैया कहाँ से? शीतल के घर से। शीतल के घर से? आहिस्ता बोलो। विजय, तुम अपनी यूनिफॉर्म पहन के यहाँ फौरन चले आओ। आपके नाम वारंट, नेकी राम के पास आपके दस्तखत किए हुए कोरे कागज, बंबई के रास्ते में रेल के पुल। भैया कौन विश्वास करेगा आपकी बातों? तुम करोगे। इससे क्या फायदा? विजय, मैं अगर अकेला निकला तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे एक साथी की जरूरत है। तुम्हारे साथ निकलकर अगर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर जिंदगी के बहुत से रास्ते साफ हो जाएंगे। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है भैया, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। विजय आओ। आप नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। मुझे एक रात की मोहलत है। मैं एक पल की मोहलत नहीं दे सकता। दीपक, अगर तुमने मोहलत नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा। देश के दुश्मन अपनी चाल चल देंगे और फिर भैया को बेगुनाह साबित करना नामुमकिन हो जाएगा। दीपक, इस मोहलत का फैसला मेरे ऑफिसर्स कर सकते हैं, मैं नहीं। दीपक, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कल सुबह तक भैया तुम्हारे हवाले होंगे। मैं मजबूर हूँ। पागल मत। भैया, मेरा कर्तव्य इस देश का कानून है और मेरा कर्तव्य इस देश की रक्षा। आइए भैया। नहीं। देख दीपक, सवाल इस बात का नहीं कि कर्तव्य के रास्ते पर कौन आगे है और कौन पीछे, सवाल देश की रक्षा है। अगर आज तुमने भैया को जाने नहीं दिया तो शायद जिंदगी भर पछतावा रहेगा। मैंने कहा ना, मैं मजबूर हूँ। विजय, दीपक, दीपक भैया को मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। चलो प्राजी, हम किस वर्ष की दवा है? भारत कहाँ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सतीश। यस सर। तुम जीप के पास ठहरो। ओके सर। मैं कहता हूँ बेहतरी इसी में है, चुपचाप मेरे साथ चले चलो। दीपक, मैं फिर कहता हूँ, मुझे सिर्फ आज रात के लिए छोड़ दो। मेरी ड्यूटी आपको पकड़ना है, छोड़ना नहीं। चलिए चलिए। चोट तो नहीं आई ना? भैया मैं कहता हूं रुक जाओ।
तुम ठीक हो ना? ठीक ही तो हूँ। गोलियों की आवाज सुन के मैं डर गया था। इसे पहले कि दीपक यहाँ जाए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पीछे क्यों? ताकि पीछा करने वाले को देख सकूं। बहुत खून बह गया है, लाओ रुमाल बांध लो। बहुत दर्द है ना? मैं जानती हूं गोली लगने के बाद बहुत दर्द होता है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें गोली लगी हो। गोली तुम्हें लगी, मुझे लगी, एक ही बात है ना। दीपक ने एक मुसाफिर से मोटरसाइकिल छीन ली है, वो पहुंचता ही होगा। खून! शीतल! 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 मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें बहुत दूर जाना है, बड़ा काम करना है। तुम्हें मेरी सौगंध भारत। जिनको प्यार किया जाए उनका दिल नहीं दौड़ा करते। जाओ भारत। शीतल पहले भी तुम्हारी अमानत थी, अब भी हम इसके साथ हैं, इसको कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ नहीं तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। भैया चलो, ये लोग शीतल को हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम चलो। विजय अपने भाई का ख्याल रखना। भारत कहाँ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मोहन बाबू गाड़ी घुमा लीजिए, शीतल को हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं भैया, नहीं, हॉस्पिटल जाने का वक्त तो निकल गया है, अब कहीं और जाने का वक्त आ गया। शीतल? हाँ मोहन बाबू, अब तो कुछ ही सांसों की मेहमान हूँ। सुनिए, आप तुलसी है ना? हाँ, आप मुझे नहीं जानती। जानती हूँ, आप बाबू की रामन की सीता हैं। मैं और सीता, नहीं तुलसी नहीं, सीता तो वनवास में भी साथ देती है। मैंने तो दुख में उसका साथ छोड़ दिया था। तुलसी,
भारत फिर मुसीबत में है, तुम उसका साथ मत छोड़ना। ये लो अंगूठी, इसे पहन लो। नहीं, ये आपके हाथ में अच्छी लगती है। तुलसी, जाने वालों की बात नहीं मोड़ा करते, इसे पहन लो, भगवान की है। नहीं, मेरी ना सहे, तुम्हें तुम्हारे भारत की सौगंध। भारत आपका है। तुम्हें मेरे भारत की सौगंध, तो पहन लो। भैया, आप रोने लगे हैं? नहीं, शीतल। हाँ, अपनी बहन को विदा करते हुए भाई नहीं रोएगा तो और कौन रोएगा? मोहन बाबू, आपने मुझ पे बहुत से एहसान किए हैं, एक आखिरी एहसान और करेंगे। कहो तुम। भारत खतरे में है, उसका उसका साथ दीजिए। वादा। शीतल, क्या हुआ? मुझे मुझे हवा का एक झोंका आया और आकर अलविदा कह गया। विजय, शीतल। भैया, हालात जब जकड़ लेते हैं तो इंसान बुरी से बुरी बात सोचता है। शीतल को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ ना होना होता ना तो इतना कुछ ना होता। विजय, खैर, तूने ये जीप कब रोकी? क्यों रोकी? बेहोशी के आलम में आप फूट फूट के रो रहे थे, बाजू से खून बह रहा था और दीपक तेज रफ्तार से पीछा कर रहा है। वो हम तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन जीप के टायर पे गोली चला के उसे बेकार कर सकता है, इसलिए अपने आप को यहाँ छुपा लिया। चलो विजय, चलो। उसे थोड़ी दूर और जाने दीजिए भैया, पहले पास वाले गांव के हॉस्पिटल जाएंगे। ये तो पुलिस केस है। पहले गोली निकालो डॉक्टर। बिना पुलिस को इतला दिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फौजी अफसर होकर आप इस तरह गैर कानूनी काम करने को कहते हैं? गोली निकालो डॉक्टर, नहीं तो मेरा भाई गोली गाड़ देगा। अच्छा। यहाँ कोई आया था? यहाँ तो कई आए कई गए। वो तो शायद आप वो हैं जिन्होंने गोली चलाई थी। मेरी बात का जवाब दो डॉक्टर। गोली निकलवाने वाला अपने भाई को लेकर निकल गया। वो रही गोपाल की गाड़ी। तेरी की पेट्रोल खत्म हो गया। गोपाल बहुत आगे निकल जाएगा, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तो दीपक से बचना मुश्किल है। हेलो ब्रदर। विजय। दीपक,
मोटरसाइकिल लेके चलो, मैं इससे निपट लूंगा। भैया मैं कहता हूँ रुक जाओ। दीपक मुझ पर विश्वास करो, मैं वापस आके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। भैया तो गए। शट अप। I'm so sorry. ऐसा यू शट अप। पुलिस ऑफिसर हो तो तेरे जैसा, मुझे तुम पर नाज है। वैसे मैं भी कोई देश का दुश्मन नहीं। मुझे भैया तक पहुंचना है। देख मेरे भाई, जीप में पेट्रोल खत्म है और तेरी मोटरसाइकिल गोली खा के घायल पड़ी है। चल कहीं से दूसरी सवारी का बंदोबस्त करें और आगे चलें। मैं और तुम्हारे साथ। क्यों, पुलिस और आर्मी का तो चोली दामन वाला साथ होता है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। गाड़ी इधर से जाती है उधर से आती है, एक ही वार में दो पुल उड़ जाएंगे। रेलवे लंगड़ी हो जाएगी, उसके बाद एक वार और बंबई का रास्ता बंद। घटिया आदमी घटिया बात करता है। गोपाल, दो चार पुल उड़ाने से सिर्फ 2-4 हजार आदमी मरेंगे। नेकीराम से कहो कि किसी भयानक ताकत से एटम बम लेकर फोड़ दे, फिर चारों तरफ लाशें लाशें होंगी। तुम और नेकीराम मिलके लाशों का व्यापार करना। सबसे पहली लाश तुम्हारी होगी, जिसके लिए बम नहीं सिर्फ एक छोटी सी गोली चाहिए। सोच लो, तुम्हारा दोस्त हूँ। भारत मेरा दोस्त नहीं। भारत सबका दोस्त है। हाँ, तुम उसके दुश्मन हो। और दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। खालसा पिट पे वार नहीं करता, पर तुम्हारी तो छाती नहीं, छाती वीरों की होती है, चूहों की नहीं। खालसा तलवार फेंक दो, नहीं तो गोली चल जाएगी। फेंक दो रिवॉल्वर, नहीं तो तुम्हारा ये बॉम्ब तुम सबको उड़ा देगा। अगर मर्द हो तो दो बराबर की टक्कर, लड़ो बिना तलवार के। अगर मर्द हो तो बराबर वाले के साथ टक्कर लो। दूसरा हाथ लगाना दनकाए बसो। खालसा जी महाराज, अब मजा आएगा। आप हट जाइए मोहन बाबू, छोड़ दीजिए मुझे। असली खालसा हो तो चार के साथ लड़ो। अब दो चले चलते हमारी हीर चीकर। आप बोलो
अपराधी तुसी बम बरूद उठा लो तो मैं बरा देना अच्छा तो होता अगर नेकीराम प्लान के मुताबिक इस भारत की गर्दन भारत सरकार के फंदों में घुट जाती, लेकिन मुरली वाले की मुरली यही सुनाती है कि इन तीनों को फौरन गोली मार दी जाए। मेरे रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो गई। तू मेरा रिवॉल्वर रख, इसमें एक ही गोली है, मैं कुछ चक्कर चलाता हूं। उड़ा दो।
अब जल्दी से इस तार को मेन कनेक्शन के साथ जोड़ दो, जल्दी। देख लिया नेकीराम प्लान का करिश्मा, भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। ट्रेन आने वाली है। थोड़ा सा धुआं कर दो ताकि इंजन ड्राइवर को कुछ दिखाई ना दे। भारत का ईमानदार मजदूर, ईमानदार बिजनेसमैन, ईमानदार फौजी और ईमानदार पुलिस, सब खत्म हो जाएगा। ट्रेन के आते ही हैंडल दबा दो और पुल उड़ा दो। जज साहब ने कानून की किताब के हिसाब से उम्र कैद की सजा दी। मेरे जज होता ना वधी रामा, इस तलवार ना तेरे टुकड़े टुकड़े करके चीलकों को खिलाता। हट पास, चल मर। तू तो मेरी पार्टी दवाई सरदार जी। हट तेरी ब्रा। मुबारक हो। रिश्ते नातों